अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया। और मैं हूं मियां आमिर, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मियां जहाज़ेब अब्बासी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। आपने जो पेशेंटगोइयाँ की थी वो तो सही साबित हो गई हैं। आपने बताया था कि जी मलक रिया साहब अपने मामला हल करने जा रहे हैं, अपने मसाइल हल करने जा रहे हैं, बैरियर टाउन कराची लीज होने जा रहा है, बैरियर टाउन के जितने भी इशूज़ हैं वो हल होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जो कि मियाँ साहब ने हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी थी। बैरियर टाउन कराची लीज होने जा रहा है और मलक रिया साहब अपने मसाइल जो है वो हल करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया था। आज वो दिन आ गया कि हम अगेन मियाँ साहब के साथ बैठे हैं और उसी बात को दोबारा डिस्कस करेंगे। और अभी जो मलक साहब ने जो एक्शन लिए हैं अपने मसाइल जो बैरियर टाउन कराची के वाले थे वो हल करने के लिए, वो मियाँ साहब हमें बताएँगे। मियाँ आमिर साहब, अब ऐसा है कि जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था लीज़ के हवाले से, जी जी, कि बैरियर टाउन लीज़ होने जा रहा है, वो आपने अब वन बाय वन सारी चीज़ें आप देखेंगे। जी जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड का एक नोटिफिकेशन भी दो दिन पहले आ गया, उस पर काफ़ी वीडियोज़ भी बन चुकी हैं। ये एक लीज़ के प्रोसेस का स्टार्ट है। ठीक है, ये लीज़ के प्रोसेस का स्टार्ट है। और ये पेशन कोई नहीं की थी मैंने। अच्छा। मैंने एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक बात की थी। ठीक है, और ये आप आने वाले वक्तों में देखेंगे, इस तरह के पॉजिटिव इकदाम और भी आप देखेंगे गवर्नमेंट की साइड से, बैरिया के साइड से नहीं, गवर्नमेंट के साइड से आपको पॉजिटिव इकदाम और आपको नजर आएंगे और मिलेंगे। सर इसकी कोई खास वजह देखें, गवर्नमेंट अगर इकदाम पॉजिटिव ले रही है बैरियर इन कराची के हवाले से, तो मलक रिया साहब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ मामला कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है ना। एक्चुअली जो जिस वजह से NOC कैंसिल हुई थी, जी जी, जिस वजह से जो लीज़ की शरायतें वो मलक साहब उन पे एग्री हैं और है। वो पूरी करने जा रहे हैं और पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, आपने बिल्कुल हमें जो है ना बताया था कि बैरियर टाउन कराची लीज होने भी जा रहे हैं, और मामला जैसे कि नाज़रीन ने आपको बताया कि बैरियर टाउन कराची की जो है वो जो SBCA की तरफ से NOC थी वो भी दोबारा रिस्टोर कर दी गई है। और भी दो तीन गुड न्यूज़ अभी रिसेंटली लास्ट वीक में जो है ना वो हमें सुनने को मिली है। इंशाल्लाह वन बाय वन उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो का जो मेन मकसद यही था कि मियां साहब ने जो हमें चीज़ें बताई थी या जो वो एक पाइपलाइन में चीज़ें चल रही थी वो मलक साहब की तरफ से और बैरियर टाउन कराची की तरफ से जो है ना वो पाइपलाइन में हैं, और वो जो है ना बिल्कुल आपने सही सर इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अमित साहब, एक चीज़ आपको और भी मैं लॉजिकली समझा दूँ। मलक साहब चाह रहे थे कि रेट रिवाइज़ के हवाले से, कि जो 460 अरब रुपये जो उनकी पेनल्टी लगी थी वो अनजस्टिफाइड थी, यानी उनको रेट हाई रेट में ज़मीन सेल की गई, जबकि इनकी सराउंडिंग बैरियर टाउन की सराउंडिंग में जो गवर्नमेंट ने ज़मीन सेल की है वो इस प्राइस से बहुत कम रेट में सेल की है। तो मलक साहब चाह रहे थे कि हमारी जो पेमेंट है उसी तरीके से ली जाए जैसे आप दूसरों से, जिस रेट पे दूसरों से ले रहे हैं आप हमसे वही रेट ले अगर लेते हैं तो ये 460 अरब रुपए नहीं बनते, फिर ये 220 अरब रुपए बनते हैं। तो मलिक साहब का यही था कि मेरे ये मामलात कोर्ट से क्लियर हो जाए तो मैं पेमेंट करके इनकी लीज़ के मामलात को फाइनल करना चाह रहा हूँ। तो वो केस चला, मगर वो फिर उस तरीके से नहीं पहुँच पाया, तो मलिक साहब ने फिर पेमेंट कर दी है और फिर NOC और दूसरे मामलात भी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मियां साहब ने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो ऑथेंटिक दी थी। जो लोग कह रहे थे नहीं यार ये सिर्फ व्यूवरशिप के लिए है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए है, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। कोई बात थी तो हमने वीडियो बनाई थी, हम भी वो ऐसे हवा में वीडियो नहीं बना देते। तो मियां साहब ने जो चीज़ें बताई थी वो ऑथेंटिक थी तो हमने रखी थी। अभी उन लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि जो कह रहे थे यार कि ये हो ही नहीं सकता है, तो अभी जो दो तीन न्यूज़ अभी जो है ना वो आगे पीछे आई हैं आपको जो है मसूल हुई हैं, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली ये हमेशा आपको पता है कि मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, मुख्तलिफ कॉल्स मुझे आती हैं, आपको खुद पता है, आप खुद काफ़ी मीटिंग्स कराने की कोशिश ही सर आप हमें टाइम दे देते हैं हमारे बुक बैरिया के प्लेटफॉर्म को, आपकी मेहरबानी। तो मैं किसी को टाइम नहीं देता इस तरह का, क्योंकि मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन बेस। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तभी मैं आता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी आई थिंक बहुत टाइम के बाद आप मेरे साथ ये वीडियो एक वो बना रहे हैं। हाँ, काफी टाइम हो गया, एक महीना तो ही है हमने वीडियो के आपस में बनाई नहीं है। वैसे तो हम बनाते रहते हैं अपने यूट्यूब पे, लेकिन आपके साथ जो है ना, और इंशाल्लाह ये आप ही के साथ वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका प्यार मेहरबानी। तो नाज़रीन, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मियां साहब से जो है वो
कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो मियाँ साहब का भी नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, या मुझसे भी बैरियर डन कराची से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर भी नीचे आ रहा होगा। जाने से पहले बुक ऑफ बैरियर को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बैरियर डन कराची से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।